हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्रम सोलंकी स्पेशल वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, हम आए हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन में और यहाँ पे शिवरात्रि की बहुत ही तैयारी चल रही है, ये आप देख सकते हो। और हम इस वक्त हैं रामघाट पे और यहाँ का आपको सीन दिखाते हैं, पूरा वीडियो दिखाते हैं, तो लास्ट तक बने रहे वीडियो में। उत्सव है ये, दीप उत्सव का बनाने का था, दीप उत्सव क्या वहाँ बन गया काशी में। अब उन्होंने कहा कि अब दीप उत्सव नहीं मनाते हुए अब महाकाल अर्पण महोत्सव मनाया जाए, है ना। तो एक तारीख को जो अपन शिवरात्रि है, तो शिवरात्रि के उसमें अभी चल रहा है, जैसे हल्दी हल्दी लगती ना, हल्दी का पाठ का प्रोग्राम दे रही है, शादी की तैयारी होती है ना। हाँ, इसी तरह की शिव की शादी की तैयारी हो रही है, इसका जश्न मनाया जा रहा है। सब महिला बाल विकास आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, नगर निगम के कर्मचारी, छोटे से लेकर के बड़े स्तर तक के सब लगे हैं, समझेंगे। तो ये अब से मतलब हर साल शिवरात्रि के बाद अभी तो शुरुआत तो ऐसी हो गई है, जैसे कुछ चीज़ की एक बार शुरुआत हो जाती है, लाल पुल तक के पूरा दीप महोत्सव बनाया जा रहा है। 22 लाख का है टारगेट, पूरा 22 लाख दिए है ना, 22 लाख दिए हैं। अयोध्या का रिकॉर्ड तोड़ना है उत्तर प्रदेश को, अब मध्य प्रदेश के बाद हमारे शिवराज चौहान साहब हैं, माननीय मुख्यमंत्री, नगर निगम आयुक्त, माननीय कलेक्टर महोदय, सब के निर्देशानुसार काम हो रहा है। तो सर मिलजुल के काम करें उत्साह के साथ, ये हमारी जो जगह पहले जब 5 दिन से काम कर रही है, पहले पहले धोया गया, फिर धोने के बाद फिर पैकिंग किया गया, पैकिंग के बाद फिर कभी इसमें तेल डलेगा। तो तेल मतलब कितना खरीद तेल, तेल तो लगेगा कम से कम, बहुत लगेगा अभी तो, है ना। तो तेल को कम करने के लिए इसको धोया गया, धोने से क्या होगा, पानी सूख लेगा तो तेल कम पिएगा, तो तेल वेल भी जलेगा, फिर मोमबत्ती से भी जलेगा बड़ी। ये खाली गाड़ गाड़ पर सजाएंगे? नहीं नहीं, पूरा उज्जैन सेक्टर का है, उज्जैन शहर में जहाँ छोटे से लेकर बड़े मंदिर तक, तो जितने भी सामाजिक संगठन हैं, जितने भी अपने वो हैं संघ हैं, उन सबको काय सौंपा गया है ना। जितने सामाजिक संगठन हैं, सामाजिक आर्थिक वाले व्यवसाय वाले हैं, उन सबको काम सौंप दिया गया है। क्षेत्र में घरों में भी दीपक जलाएँ, तो यहाँ तो ऑलरेडी है, घरों में भी मंदिर में जो छोटे से लेकर बड़े मंदिर तक उनको अलग दिया है, मन तो सजाया जा रहा है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम साबिर हुसैन है।
सेक्टर बटे हुए, एक एक सेक्टर में स्क्वायर बने हुए जमाएंगे महाशिवरात्रि के लिए। तो इसके क्या महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में ये ज्योतिर्लिंग है ना, इसलिए यहाँ पर ज्योतिर्लिंग विशेष महाशिवरात्रि का आयोजन होने जा रहा है। तो मतलब ये कार्य आप हर शिवरात्रि पे करते हैं? ऐसा यहाँ पहली बार हुआ, आज पहली बार हुआ। तो ये किस उपलक्ष्य में? महाशिवरात्रि। किसी ने आपको बताया कैसा करना? हमारे मध्य प्रदेश सरकार का, हमारे जिला प्रशासन का निर्णय है, उन्होंने तय किया, उसमें नगर निगम और जिला प्रशासन भी शामिल। चलो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों आपको पूरा